देखो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ये बहुत संबंध। क्या करना है? ताप तथा आयतन में रुद्धोष्म संबंध, रुद्धोष्म रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में एडियाबेटिक संबंध एरिया बायोटिक, एरिया बायोटिक किस ग्राउंड, एरिया बायोटिक रिलेशन बिटवीन। देखो आप लोग जानते हो नियमों का, हम जानते हैं पाइथन नियम, रुद्धोष्म में पाइथन नियम से पी गामा इक्वल टू के, या कॉन्स्टेंट से सकते हो P इक्वल टू PV इक्वल टू म्यू आर पी, ऐसे लिख सकते हो। आदर्श गैस समीकरण म्यू क्या है? म्यू मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण, म्यू मोल गैस के लिए म्यू आर पी, तो P का मान लगा P इक्वल टू म्यू आर पी अपॉन वी, ऐसे लिख दो। तो फिर P इक्वल टू P का मान रख दो इसमें, कुटिंग की वैल्यू, चलो कुटिंग की वैल्यू ऑफ पी इन फेवर ऑफ एक्सेस ऐसे भी लिख सकते हो। पी का मान लिख दो न्यू आर पी अपॉन जी। अच्छा आई क्या है? जी के पावर गामा इज इक्वल टू के। अब बेटा यहाँ पर देख सकते हो न्यू आर पी आई जी के पावर गामा, ये न्यू पर जाएगा तो माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंप्लाइड बाय टी वी गामा, ये आधार समान है तो ये कहीं आधार लिखोगे भी ये कहीं लिखोगे माइनस वन लगा दो, माइनस वन इक्वल टू के अपॉन म्यू बार। अच्छा के अपॉन म्यू बार दोनों को कॉन्स्टेंट है, इसके बराबर क्या लिख सकते हो? केवल के लिख सकते हो या कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू के, इसी के बराबर लिख सकते हो। कॉन्स्टेंट बटे कॉन्स्टेंट बराबर कॉन्स्टेंट है इक्वल टू के, दैट ले सकते हो कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू इतना होना। देखो आया क्या बता दिया ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में उद्घोष्म संबंध, उद्घोष्म संबंध का मतलब यही गामा का मान आना चाहिए, टीवी का मान माइनस वन इक्वल टू के। अच्छा एक जो है और लगा देंगे एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर में उद्घोष्म संबंध निकालें। अच्छा प्रेशर आपको निकालना है, इसका मतलब वी पर आपका पक्षांतर का हो गया, तो हम जानते हैं कि वी रूल है, हम जानते हैं कि वी भी गामा इक्वल टू के, तो फिर भी आदर्श गैस समीकरण नाम आइडियल गैस रिलेशन या आइडियल गैस रिलेशन पी वी इक्वल टू म्यू आर पी, हालांकि इसमें दिखाई दे रहा है तो आप तो भी बराबर जो है पक्षांतर कर दो, तो किसी प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन निकालना है तो वी इक्वल टू लिखोगे म्यू आर पी या म्यू पी, अब खुदी की वैल्यू हो वी इसमें इक्वेशन वन मान रहा हूँ, खुदी भी वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन इसको वन मान रहा हूँ इन इक्वेशन टू। अच्छा फिर लिखोगे पी वी गामा इक्वल टू, अच्छा पी वी, वी का मान क्या है? म्यू आर टी पी, और ऊपर घात क्या लगा देंगे बेटा? गामा लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा पी, ये तो लिख दीजिए रवि का मान हमें ये अंदर की म्यू आर टी है पी, फिर क्या लिखते हैं के, अब फिर क्या लिखते हैं बेटा? पी म्यू के पावर गामा आर के पावर गामा पी के पावर गामा बटा पी के पावर गामा इक्वल टू के, ये हो गया पी इक्वल टू टी के पावर गामा। अब
R two state, A B two state, then it will be the third order. P, P, if P के power minus gamma, so P के power gamma equal to फिर क्या लिखेंगे? K बटे mu के power gamma और R के power gamma, ये बचा है. अब देखो कितना इंप्लाइड है आधार समान इसलिए आप नाम सकते हो P के पावर 1 माइनस गामा ये तो क्या आधार समान है तो टूट जाएगा था ये जो है P के पावर गामा इक्वल टू पूरा नाम क्या है बोले K इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा P के पावर गामा ये आप नीचे उसका जो क्या लिखोगे P के पावर 1 माइनस गामा ये माइनस लगा दो इक्वल टू ये तो दोनों जो है कि कांस्टेंट पर कांस्टेंट है मान कांस्टेंट है करा दो कोई अदर से कांस्टेंट कराना चाह सकते हैं गाइस ये लिख सकते हो तो ये अब इसको ही मान लो छह इसमें से बात कर दो p गामा p के पावर ए माइनस 1 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस गामा इक्वल टू k फिर इंप्लाइड है p गामा है वो कि p के गामा माइनस वन इक्वल टू के सीआई रिलेशन देखो पेपर इधर आ गया इसके बाद रिलेशन हो गया हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे थैंक यू.